राजनांदगांव में महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विपक्ष ने इस मामले में राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने शासन और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट के सामने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। जैसा कि आप सब लोग भी जानते होंगे कि आज एक बड़ी घटना, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यास्मीन जी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, क्योंकि उनके तरफ से जो मकान जिसमें वो रह रही थी उसे सील कर दिया गया। सबसे पहला तो ये कहना होगा कि यदि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है, या फिर यहाँ पर 100 परिवार पिछले 3 दिनों से राशन पानी लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो निगम प्रशासन जो है इनको बेदखल करने की कार्रवाई कर रही है, उसका तरीका सही नहीं है। दूसरी बात, ये सभी किराएदार हैं, इनमें से 14 तो ऐसे लोग हैं जिनको निगम ने किराएदारी से हटा करके खाली करा दिया था, जबकि निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं है किसी मकान को खाली कराने का। लेकिन ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण मुझे समझ में आता है कि किस तरीके से पैसे वालों से पैसा लेकर के लोगों का मकान खाली कराने का भी काम निगम कर रही है। इसका उदाहरण लखोली के 14 परिवार को इन लोगों ने खाली कराया है। यास्मीन के इस घटना के बाद ना तो कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई नेता, ना घटनास्थल पहुंचा, ना मेडिकल कॉलेज पहुंचा। और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है, जब मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट है ही नहीं तो फिर उनको प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज क्यों ले जाया गया, ये आश्चर्य की बात है। उसके बाद उनका बयान लेने से प्रशासन आनाकानी करती रही, परिवार वालों के दबाव के बाद बयान लिया गया। उसके बाद जब परिवार वालों ने बयान की कॉपी मांगी, स्वयं प्रभावित महिला ने भी बयान के लिए कहा कि हमको बयान की कॉपी चाहिए, तब भी कहा गया कि हम बयान की कॉपी सीधे जज को देंगे। चलिए, हम लोगों ने जैसा भी समझा बुझा करके उनको आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा, क्योंकि इन लोगों ने तो रिफ़र कर दिया। यहाँ पे कोई सुविधा बर्न यूनिट की अभी इस वक्त नहीं है। अब उनको मेकाहारा भेजा जा रहा था, जबकि सबको मालूम है कि रायपुर तक सबसे अच्छी यूनिट भिलाई सेक्टर 9 में है। तो हम लोगों ने दबाव बना करके, मैंने स्वयं बात किया प्रशासन से, रमन सिंह जी से भी बात हुई, और सेक्टर 9 में जहां पर उनको बेहतर इलाज मिल सकता था वहां ले जाने का आग्रह किया। और उसके इलाज के लिए भी हम लोगों से जितना बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से बात कर रही है, और जिनको हमने चुन करके भेजा है वो लोग भी उसी की भाषा में बात कर रहे हैं। और गरीब लोगों की, जिनके आवास नहीं है, उनको आवास उपलब्ध कराने का तरीका निकालने के बजाय, या उनको आवास देने के रास्ते बनाने के बजाय, उनको ज़बरदस्ती पुलिस के डंडे के दम पर निकालने की कार्रवाई हो रही, उसी की परिणति है कि आज ये घटना हुई है। और इसके लिए निश्चित रूप से इनको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और इतना ही नहीं, यास्मीन के पूरे इलाज का खर्च भी सरकार उठाए और उनको मुआवजा भी सरकार उपलब्ध कराए, ये हमारी मांग है। और वैसे भी हम लोग अपने तरफ से उनके इलाज के लिए पूरा प्रयास करेंगे, कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। तो क्या आप जो विपक्ष जो है उन लोगों पे कार्रवाई करने के लिए आवाज़ उठाएंगे? अरे, जो दोषी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने की तो आवाज़ उठा रहे हैं। अब उसमें बिना जांच के हम ये नहीं कह सकते कि दोषी कौन है, लेकिन 100% एक बात तो तय होती है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन है। उसमें प्रथम दृष्टिया ये समझ में आता है कि निगम प्रशासन इसके लिए दोषी है,
अब उसके अंदर कौन दोषी है ये जांच में तय होगा और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से महापौर को लेनी चाहिए। भाई आपको किसने कह दिया कि नहीं आया है? किशुन यदु आए थे, मैं स्वयं वहाँ आवास गया था, वो महिलाएं कल मुझसे मिलने आई थी, तो आपकी जानकारी अधूरी है। आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग सतत संपर्क में हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन की जानकारी मुझे पिछले दो दिनों से नहीं थी, आज घटना के बाद मुझे जानकारी लगी, इसलिए हम लोग आए। लेकिन हमारे लोग कल भी किशुन यदु वहाँ गए थे, हमारे पार्षद गए थे, और इसके पहले जब इनको बेदखल करने की कार्रवाई हो रही थी तब मैं स्वयं गया था, हमारे तरुण लहरवानी जी गए थे, किशुन यदु जी गए थे, सभी लोग गए थे। कल रात को हकीम खान जी, शिव वर्मा जी, ऐसे सारे लोग यहाँ पर रात को करीब करीब 12 बजे के बाद यहाँ से गए हैं। तो ठीक है, हमारे प्रतिनिधि आते जाते रहे, कि हो सकता है मैं आया नहीं आया एक अलग बात है।